हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बुक से। हमारे चैप्टर का नाम है कंजंक्शंस, चैप्टर नंबर 23। चलिए देखते हैं आज हम कंजंक्शंस में क्या पढ़ने जा रहे हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ठीक है, जो सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है, टू एंड टू मेक्स फोर। ठीक है, तो दो और दो, तो ये जो एंड है ये हमारा कंजंक्शन है। आई रैन टू द डोर बट शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं बट हमारा क्या है, कंजंक्शन। नेक्स्ट, आई वेंट आउट बिकॉज द सन वॉज शाइनिंग। तो बिकॉज क्या है, बिकॉज हमारा एक कंजंक्शन है। बिकॉज क्या है हमारा यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं बिकॉज इज आर कंजंक्शन। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। सबसे पहले होता है कोऑर्डिनेटेड, नेक्स्ट इज कोरिलेटिव, नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग। फर्स्ट देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग आर द जॉइनिंग फ्रेजेस दैट जॉइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल और सिमिलर कंजंक्शंस। ही इज 50 इयर्स ओल्ड बट ही प्लेज फुटबॉल डेली। ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना वर्ड एक दूसरे के साथ, सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसलिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करते हैं। द कंजंक्शंस फॉर एंड नॉर बट और येट सो आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यू मे यूज द एक्रोनिम फैन बॉयज टू रिमेंबर इट। तो आप देख सकते हैं FANBOYS। तो आपको ध्यान रखना है फैन बॉयज, ये वाले जो हमारा एक यू नो लर्निंग टिप है, ये सारे हमारे कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। चलिए अब देखेंगे कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, लेट्स कंबाइन दी सेंटेंसेज। गेट रेडी क्विकली और यू विल बी लेट फॉर स्कूल। सो यहाँ पे क्या आएगा, और, ये फुल स्टॉप हटके और आएगा। मैं आपको एक सेंटेंस लिख के भी बताऊंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट इज स्टडी हार्ड डैश यू विल नॉट पास। डैश बोलो या फिर ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इन्हें हमें अब ज्वाइन करना है। तो स्टडी हार्ड और यू विल नॉट पास, तो आपको और लगाना है यहाँ पे। ही इज वेरी पुअर, ही इज कंटेंडेड, ही इज वेरी। आई कुड नॉट गो ऑन द ट्रिप फॉर माई बस वॉज कैंसल्ड, क्योंकि मेरी जो बस है वो कैंसिल हो गई थी। आगे देखेंगे ही हैज गॉट द हाइएस्ट मार्क बट ही इज नॉट हैप्पी। बट आगे शी इज टायर्ड, शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टू नाइट। शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टू नाइट, और सबसे पहला सेंटेंस क्या है, शी इज टायर्ड, शी इज टायर्ड बट शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टू नाइट। बट ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको रीराइट करने हैं। तो लास्ट थ्री यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ इन योर HW होमवर्क। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विच आर यूज इन पेयर्स। ठीक है, जो हम पेयर्स में यूज करते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, ये हमारे कोरिलेटिव होते हैं। जैसे शी इज आइदर प्लेइंग और रीडिंग, आइदर और एक पेयर है, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन। Either or, neither nor, ये सारे हमारे क्या हैं, yes, correlative conjunctions हैं। चलिए अब हम यहाँ पर फिल करेंगे। The cookies are dash homemade dash yummy। The cookies are both homemade and yummy। Both और and use कर सकते हैं इसके अंदर हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे both homemade and yummy। Chariot plans to visit the Netherlands dash in March dash in April। Either in March or in April. This is E or in April. Right? He is repeating the third again. He dash smokes dash drinks. He neither smokes nor drinks. He is dash a liar dash a cheater. He is not only a liar but also a cheater. Not only or but also. ये pairs अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ all these pairs you have to definitely learn or read again and again so that आपको ये learn हो जाए। ठीक है, dash you dash I have to go। ठीक है, तो fifth वाला I want कि आप ये खुद। The next one, whether Alex shows up or not we will start at 6 AM tomorrow. ठीक है, and again the last three sentences kindly try yourself to do
आई होप यू कैन डू इट राइट द वर्ड्स हैव बीन गिवन टू यू एंड यू हैव टू लर्न देम ऑल्सो सो व्हाइल डूइंग इट कीप इन माइंड दैट यू हैव टू लर्न ऑल्सो ओके मूविंग ऑन टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दे आर द वर्ड्स विच जॉइन द डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस विद द इंडिपेंडेंट और द मेन क्लॉज ठीक है जैसे although it was raining it was still hot I wanted while he cook theek hai ab conjunctions jaise when whenever as soon as before after since while as still under so that in order that lest of unless as then so as if so far as though as if where whenever ye sare hamare kya hain सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं चलिए टास्क देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आई एम सुपर एक्साइटेड एज इट इज माय सिस्टर्स बर्थडे ओके डैश दे कैन फाइंड वन माय पेरेंट्स विल रेंट अ बाउंस हाउस सो व्हेनेवर दे फाइंड वन जब भी उन्हें मिलेगा दे विल टेक इट इस तरीके से ठीक है She felt happy dash she saw the painting. She felt happy as soon as next don't leave the room dash your teacher tells you to. Don't leave the room until your teacher tells you to. ठीक है Next देखेंगे She became angry dash I said anything. She became angry dash I said anything. The eighth sentence Simanatha is happy as she won the championship okay last two also please try yourself in your homework I hope you'll be able to do it chaliye ab hum dekhenge d exercise iske andar jo hamare 10 sentences hain you just have to fill that they are coordinating subordinating or correlative so I'm sure ab aapko ye samajh aa gaya hoga and ye wale sare sentences ke words pick out aap khud kar sakte hain we will see the e exercise Join these sentences using suitable conjunctions. ठीक है तो आपको इन sentences को join करना है conjunctions use करते हुए First is Suzanne lives in Porto. She has never saw Casca da Música. ठीक है तो अब आप क्या word use कर सकते हैं इनको join करने के लिए Suzanne lives in Porto, but she never saw this particular place. Next, they bought a new CD, but they don't like it. The third one, I wanted to go camping. Although my family didn't want me to go कि मैं जाना चाहता था पर जो मेरी फैमिली है they didn't want me to go तो आप although यूज करेंगे इस केस में फोर्थ एंड फिफ्थ आई होमवर्क डू ट्राई देम योर सेल्फ विल डू द सिक्स्थ एंड सेवेंथ वन शी लाइक्स कैट्स फुल स्टॉप शी लाइक्स कूकर स्पैनियल्स तो आपको क्या बताना है कि उसको ये भी पसंद है और ये भी पसंद है जब हमको दोनों चीज़ें बतानी होती हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं एज वेल एज So she likes cats as well as cocker spaniels. Next is are the boys playing? Are the boys speaking? तो इसको हम किस तरीके से join करेंगे? Are the boys playing or sleeping? Right. So I hope you are able to understand this. Next up we have another exercise in which we have to write a short paragraph describing your opinion whether we need examinations in school or not. तो ये आपके लिए है आपको अपना ओपिनियन सजेस्ट करना है कि आपको लगता है कि एग्जामिनेशन स्कूल में इंपॉर्टेंट है या नहीं यू कैन यूज़ दीज टू बॉक्सेस जिनके आप हेल्प ले सकते हैं स्टार्टिंग वर्ड्स में आपके ये सारे वर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए और एंडिंग के लिए आपको ये सारे कंजंक्शंस या फिर बीच बीच में भी ये सारे कंजंक्शंस यूज़ करने हैं सो कीप इन माइंड ओके राइट सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एवरीवन आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग I will meet you in the next one now. Till then, goodbye and take care.